हेलो रैंकर्स, स्टार्ट करें फिर नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है क्या, थर्मोडायनेमिक्स। भाई बोलते तो सब ऐसे ही है कि थर्मोडायनेमिक्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ जब सारे लेक्चर आप देख लोगे तो सबसे इजी भी आपको थर्मोडायनेमिक्स ही लगेगा। बस रट के मत चलना, सब कुछ समझ के चलना, एक एक चीज समझ के चलेंगे, करते चलेंगे और थर्मोडायनेमिक्स चुटकियों में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे, वही बेसिक जो टर्म आती है वो सारी पहले क्लियर करेंगे, जिससे हमें क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग में किसी में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट पार्ट है ये, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा नाम है तो नाम को ही देखना पड़ेगा भाई कि क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या मतलब है इसका। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलके बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स, सिंपल। थर्मो मतलब क्या होगा, थर्मो मतलब क्या होगा, हीट। थर्मल, थर्मल थर्मल मतलब क्या, थर्मोमीटर होता है क्या बताता है, हीट ही तो बताता है, क्या होगा हीट या फिर क्या एनर्जी। ठीक, हीट या एनर्जी थर्मो मीनिंग होता है। ठीक है, पहली बात तो ये कि मैंने लिख दिया ऐसे, लेकिन हीट और एनर्जी सेम बात नहीं होती। ठीक है, दूसरी चीज डायनेमिक्स क्या होता है, फ्लो करना। ठीक, जैसे हम फ्लूड के अंदर पढ़ते क्या, हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रोडायनेमिक्स, कि जो फ्लूड है स्टेटिक है उसको हम क्या बोलते हैं, रुका हुआ है, डायनेमिक्स फ्लो हो रहा है, तो फ्लो करना ऐसे फ्लो कर रहा है। तो हीट या एनर्जी के फ्लो को बताता है कौन, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स की फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फ्लो ऑफ हीट और एनर्जी इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, सिंपल। अब डेफिनेशन मैं नहीं लिखूंगा, आप लोगों को पता है। ठीक है, अब जेई नीट की तैयारी कर रहे यार, लिखने का कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है, दिमाग में रखो, समझ आ गया तो डेफिनेशन खुद भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात है ही नहीं। थर्मो प्लस डायनेमिक्स, थर्मो क्या है होता है, हीट और एनर्जी, डायनेमिक्स क्या होता है, फ्लो करना। तो जो ब्रांच साइंस की, वो ब्रांच जो हीट और एनर्जी के फ्लो को बताता है किसमें, किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के अंदर, किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के अंदर, वो क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है, सिंपल। कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं यार इसके अंदर। ठीक है, तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, सिंपल। हीट एनर्जी के फ्लो को बता रहा है कहां पे, केमिकल रिएक्शंस के अंदर, केमिकल प्रोसेस के अंदर, तो वो क्या होगा, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स होगा। क्लियर, इतना, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस थी ही नहीं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि हीट और एनर्जी एक ही चीज नहीं होती, हीट और एनर्जी एक ही चीज नहीं होती, तो क्या होता है भाई, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। हमने तो पढ़ा भाई यहां से कोई हॉट सी चीज है, ठीक, वो वाला हॉट नहीं, इधर ध्यान दो। ठीक है, हॉट है, टेम्परेचर हाई है, यहाँ पे टेम्परेचर लो है। हमने दोनों को क्या किया, कंडक्ट कन्वेंशन फिजिक्स के अंदर जब हम पढ़ते तो पढ़ते हैं ना उसके अंदर, ठीक, रेडिएशन के थ्रू क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, तो एनर्जी का भी ट्रांसफर हुआ। हाँ भाई हुआ, ठीक है, मैंने कब मना किया, नहीं हुआ, तो फिर तो चीज एक ही हुई, हीट भी और एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, पर मैं बोल रहा हूँ कि सेम नहीं होती। तो मतलब क्या, अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो क्या हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अब देखो, अगर हीट का हो रहा है, एनर्जी का हो रहा है, तो एनर्जी का हो रहा है तो हीट का भी होना चाहिए, पर ये नहीं है। ठीक, आपको स्टेटमेंट देके पूछ देगा कि ठीक है हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो बताओ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, यस और नो, यस होगा भाई, जरूर होगा। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक, तो क्या हीट का ट्रांसफर होगा, मे बी और मे नॉट बी, पक्का तो है ही नहीं कि होगा। तो मतलब इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि हीट और एनर्जी अलग अलग है, तो एनर्जी का ट्रांसफर क्या होगा फिर, अगर हीट का ट्रांसफर और एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा तो एनर्जी का ट्रांसफर क्या होगा। तो देखो सिंपल सा, ठीक, मैंने शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया, इसको अब इजी वे में देखते हैं कि अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो वो दो मेथड से हो सकता है, हीट से या वर्क से, सिंपल, कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो वो दो मेथड से हो सकता है, हीट से या वर्क से। तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का भी तो होगा, वर्क हो रहा है तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ठीक, सिंपल, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो या तो हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा या वर्क हो रहा होगा, या फिर दोनों एक साथ भी हो सकते हैं,
लेकिन अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो एनर्जी का होगा, तो लेकिन अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि हीट का भी होगा, जरूरी नहीं है कि वर्क का भी होगा, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। ठीक, जैसे घुमा फिरा के आप लोगों को पूछ सकता है, ठीक, दो स्टेटमेंट दे देगा, असर्शन रीजन में पूछ लेगा, जो भी है। इतना आपको ध्यान रहना चाहिए कि एनर्जी का अगर ट्रांसफर होगा तो दो मेथड से हो सकता है, हीट के थ्रू या वर्क के थ्रू, और तो कुछ है ही नहीं इसमें रॉकेट साइंस। ठीक, अगर इतना समझ आया तो समझ लो जो हार्डेस्ट क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, वो आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है भाई, अभी हमने पढ़ लिया अभी थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, ठीक है, तो अभी थर्मोडायनेमिक्स के एडवांटेज भी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना कि भाई क्या क्या एडवांटेज है थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक, तो सबसे पहले इसका पहला एडवांटेज तो ये कि जो थर्मोडायनेमिक्स लॉ है ना, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं यार, ठीक है, ये तो ऐसे ही लिख दिया होगा, लेकिन अब है, अगर क्वेश्चन आता है तो हमें तो याद रखना पड़ेगा कि पहला एडवांटेज तो ये कि जो थर्मोडायनेमिक्स लॉ है, जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, ठीक, उसको हम आगे पढ़ेंगे, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, दूसरा ये रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बताता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक, जो थर्मोडायनेमिक्स लॉ है वो हमें बताते हैं, थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, तीसरी चीज ये हमें अलग अलग टाइप के एनर्जी चेंज को बताता है, ठीक, कि एनर्जी चेंज हो रहा है, वर्क की फॉर्म में हो रहा है, हीट की फॉर्म में हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो इन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो ये सब क्या हो गए, एडवांटेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब जहां एडवांटेज होंगे वहां डिसएडवांटेज भी होंगे, होंगे या नहीं होंगे, जरूर होंगे भाई, अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। तो पहला जो इसका डिसएडवांटेज है कि ये हमें बताता है टेम्परेचर के बारे में, हमें बताता है प्रेशर के बारे में, ठीक, हमें वॉल्यूम, ऐसी सब चीजों के बारे में बता देती है थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन जो एटम, जो मॉलिक्यूल, इनकी जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो इनकी एक्चुअल प्रॉपर्टी है, उनके बारे में नहीं बताता। तो मतलब जो ऊपर ऊपर से जो हम देखे, अगर ऊपर से तो मतलब जो मेनली मेनली दिखता है हमें, ठीक, मोटा मोटा दिखता है, उन सब के बारे में बताता है, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक लेवल का है, एटम्स है, मॉलिक्यूल है, उनकी एक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में तो नहीं बताता ये तो इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। ठीक, अब अगर क्वेश्चन आएगा या तो तुम लोगों से ऐसे पूछ लेगा या फिर तुमसे क्या बोलेगा कि ये मैक्रोस्कोपिक मॉडल्स, ठीक, या फिनोमिना पर तो काम करता है लेकिन किस पे काम नहीं करता, माइक्रोस्कोपिक पे नहीं करता, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी ऐसे। ठीक, मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ, जो ऊपर से दिख रहा है, जो बड़ा बड़ा दिख रहा है, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, ठीक, इसको हाथ लगाया, अरे ये तो टेम्परेचर है, लेकिन इसके एटम में क्या हो रहा है, इसके मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, वो तो हमें नहीं पता, तो उसके बारे में ये नहीं बताता। माइक्रोस्कोपिक मॉडल माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना के बारे में नहीं बताता, लेकिन मैक्रोस्कोपिक के बारे में तो बताता है। ठीक है, तो ये थी इसकी एक डिसएडवांटेज। और दूसरी डिसएडवांटेज देख लेते हैं, दूसरी डिसएडवांटेज मैंने केमिकल काइनेटिक्स में बताया था, अगर आप 12th क्लास के हैं, अगर आप ड्रॉपर है तो आपको वो केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर पहले देखने चाहिए, पहले जाओ चैनल पे, मिल जाएगी प्लेलिस्ट, सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, बस क्वेश्चंस के बाकी है, तो क्वेश्चंस के भी मैं एक दो दिन में कर दूंगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सब वीडियो में डाल देंगे, हर क्वेश्चन की अप्रोच बता देंगे, कैसे अप्रोच करना है, ऐसे हर चैप्टर में हम ऐसे ही करने वाले हैं, पहले थ्योरेटिकल सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स की क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, जिसमें हम बताएंगे कि भाई कैस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और कैसे कैसे उनको अप्रोच लगा के सोल्व करना होता है, ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर दे, अपने दोस्तों से शेयर कर दे। ठीक है, तो इसकी दूसरी डिसएडवांटेज क्या है कि ये रिएक्शन की फिजिबिलिटी तो बताता है, तो इसकी अभी होगी भाई, ठीक है, रिएक्शन की इसने फिजिबिलिटी बता दी, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक, ये इसकी एडवांटेज हो गई, लेकिन ये रिएक्शन की रेट के बारे में नहीं बताता, रिएक्शन की रेट के बारे में नहीं बताता, ये क्या हो गई इसकी डिसएडवांटेज। सिंपल, तो रिएक्शन की रेट के बारे में कौन बताता है, केमिकल काइनेटिक्स, मैंने बताया था ना केमिकल काइनेटिक्स बताता है, जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था, तो ये इसकी डिसएडवांटेज हो गई। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं सम इंपोर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक्स,
ठीक, कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक, तो पहली टर्म्स जो हम पढ़ेंगे, यूनिवर्स, यूनिवर्स ब्रह्मांड। ठीक, ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, ये जितना भी तुम लोग सोच सकते हो, जितना तुम सोच सकते हो, कभी ये हो सकता है, इतना हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, कितनी हवा में बातें कर सकती हो, वो सब कहाँ आ जाएगा यूनिवर्स में। ठीक, तो यूनिवर्स पता चल गया, अभी क्या हो सकता है, एवरीथिंग विल लाई इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो यूनिवर्स बना किस चीज से है? ठीक, अभी हम देखते हैं। चलो, अभी ये बोर्ड है, ठीक है, ये क्या है, बोर्ड है। मैं इस बोर्ड पे क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ कुछ भी, मैंने लिख दिया अभी हमारे चैनल का नाम रैंकर्स। ठीक, मैंने लिख दिया रैंकर। ठीक, अभी हमारे चैनल का नाम मैंने लिख दिया रैंकर। तो बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा, तो मैंने वर्क किया कुछ, कहाँ किया, बोर्ड के ऊपर। तो ये बोर्ड मेरा क्या है, सिस्टम है। ये क्या है, मेरा सिस्टम है। अगर मैं बोल रहा हूं, कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, तो कैमरा क्या है, मेरा सिस्टम है। ठीक, और इस सिस्टम को छोड़ के जो भी चीज यूनिवर्स के अंदर लाई करती है, वो सारी क्या है, सराउंडिंग है। क्या है, सराउंडिंग है, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी कुछ होगा, सब कुछ किस में होगा, सिस्टम में होगा। और सिस्टम को छोड़ के जो भी यूनिवर्स के अंदर चीजें लाई करेगी, वो किस में आ जाएगी, सराउंडिंग में आ जाएगी। बाकी देश दुनिया जाए भाड़ में, हमें किसी से मतलब नहीं। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि जिस चीज पे काम हो रहा है, जिस चीज पे कुछ हो रहा है, वो सिस्टम है। जिस चीज को हम समझ रहे हैं, जिस चीज को हम मान रहे हैं, वो सिस्टम। और उसको छोड़ के बाहर का जो सब कुछ है, वो क्या है, सराउंडिंग है। ठीक, इतना है समझ, क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग। तो सिस्टम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी फिर, अगर हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन करते हैं, तो ए सिस्टम इज डिफाइंड एज ए स्पेसिफिक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए यूनिवर्स। ठीक, जहां पे एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन होता है। सिंपल, देखो कोई भी यूनिवर्स का एक स्पेसिफिक पार्ट, जहां पे भी हम कुछ करते हैं, जहां पे भी हम कुछ रिसर्च करते हैं, या फिर हम जहां पे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम जहां पे भी कुछ काम कर रहे हैं, वो सिस्टम होगा। और सराउंडिंग क्या होगा, उस सिस्टम को छोड़ के वो पूरा पार्ट ऑफ यूनिवर्स सराउंडिंग होगा, खत्म। इसमें तो कोई बड़ी वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो इससे एक चीज तो पता चल गई कि भाई जो यूनिवर्स है, किससे मिलके बना है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग से। ठीक है, इतना तो आ गया होगा ना हमका समझ। ठीक, नहीं आती यार मुझे बिहारी, अगर कोई तुम में से बिहारी है तो बताओ हम कैसे सीखे, अच्छी लगती है यार बोलने में वैसे तो, है ना। हाँ तो भाई ठीक है, अब एक चीज होती है यार, सिंपल है। ठीक, ये क्रिकेट का मैदान है, यहाँ पे पिच है, यहाँ से मैंने छक्का मारा, कहाँ पार जाएगी कि छक्का होगा, बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या होती है, जो मैदान को अलग करती है। मैदान क्या है, ठीक है भाई, यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, ये बाउंड्री है, बाउंड्री के बाहर जाएगा छक्का, ठीक, बाउंड्री के पार जाएगा चौका। अगर ठीक समझ गया तुम, क्रिकेट इतना तो जानते हो ना। ठीक है, हम खेल रहे हैं कहाँ पे, ग्राउंड पे। ग्राउंड क्या हो गया, हमारा सिस्टम। ग्राउंड के बाहर का सब कुछ क्या हो गया, सराउंडिंग। और ग्राउंड को और जो बाहर की सराउंडिंग को, यानी सिस्टम को और जो सराउंडिंग को अलग कर रहा है, वो क्या हो गई, बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या होती है, वो हिस्सा या फिर वो फिनोमिना या फिर वो चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, अलग करती है। ठीक, तो एनीथिंग एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो ये क्या हो जाएगी, बाउंड्री। ठीक, ये होगी बाउंड्री। तो बाउंड्री कैसी हो सकती है, हो सकती है कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, है ना। अब कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग तो बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। हो सकता है रिजिड हो, एनर्जी का ट्रांसफर, नॉन एनर्जी का ट्रांसफर, ठीक है, रिजिड हो सकती है, नॉन रिजिड हो सकती है। ये तुम लोगों से पूछ लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ बाउंड्री, रिजिड, नॉन रिजिड, कंडक्टिंग, फोर्थ ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज, क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, खत्म। ठीक है, रिजिड हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, नॉन रिजिड हो सकती है, रियल हो सकती है, या इमेजिनरी भी हो सकती है। किसने बोला कि रियल में ही बाउंड्री एग्जिस्ट करती है,
इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं मान लो भाई ये मेरा एक सिस्टम, तो मैंने इतना ही माना, ठीक। और मैं अगर इस लाइन को हटा दूं तो मेरा सिस्टम इतना ही माना जितनी मैंने लाइन की थी, उसके बाहर की मैंने क्या मान ली, सराउंडिंग मान ली, तो वो लाइन क्या है, इमेजिनरी तो है। कहाँ दिख रही है तुम लोगों को यहाँ पे लाइन? नहीं दिख रही, लेकिन मैंने तो मान रखा इस लाइन के अंदर ही मेरा सिस्टम है, वो क्या होगी, इमेजिनरी। और अगर मैं लाइन लगा दूंगा तो भैया जो लाइन दिख रही है ये बाउंड्री है, तो रियल भी हो सकती है। ठीक, तो ये बाउंड्री है, क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती, सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, सब समझ आ गया। वाह, फिर तो क्या हो रहा है ना थर्मोडायनेमिक्स, क्या मुश्किल है इसमें, पूरा चैप्टर ऐसे ही है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, अभी हमने पढ़े जाए सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। हमने पढ़ा भाई सिस्टम क्या होता है, ठीक, सराउंडिंग क्या होती है, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ लेंगे। कितने टाइप का होता है सिस्टम, कितने टाइप का होता है, एक सेकेंड में यार, दूसरा मार्कर कहाँ गया, तो सिस्टम हमारा हो सकता है भैया तीन टाइप का, एक दो तीन। पहला हो सकता है भैया हमारा ओपन सिस्टम, दूसरा हो सकता है भाई हमारा क्लोज सिस्टम, तीसरा हमारा हो सकता है आइसोलेटेड, दुनिया से ही अलग। ठीक है, तो अभी मैंने बताया, क्या बताया, कि एक सिस्टम है, इसके चार ओर क्या, सराउंडिंग है। तो पहला सिस्टम कि अपने सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज कर सकता है क्या, मैटर एज वेल एज एनर्जी। ठीक, मैटर और एनर्जी दोनों के दोनों क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। ठीक, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। मैंने एक लिया ऐसे, कोई मैंने जिस बीकर ले लेते हैं यार, फिर बोलोगे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री वाली फील ही नहीं आ रही, तो लो बीकर ले लिया। ठीक, बीकर के अंदर मैंने डाल दिया बॉइल्ड वाटर, अच्छा उबल रहा है ऐसे, ठीक, यहां से क्या निकल रही होगी, स्टीम। ठीक, अब बाहर का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, हाई, मतलब क्या, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो क्या, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, साथ में आ रहे हैं वाटर वेपर स्टीम के थ्रू, ठीक, वाटर वेपर, तो क्या मैटर का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सिस्टम क्या हो गया, अगर इसमें वाटर का भी, वाटर वेपर का भी ट्रांसफर हो रहा है, हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है, मैटर का भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफर, ओपन सिस्टम। सिंपल, कॉफी का मग लो खुला छोड़ दो, बाहर क्या वाटर वेपर आएंगे, एनर्जी आएगी, बाहर गर्मी लगेगी ना, हाथ लगा के देखोगे क्या आ रही है, वो हीट ही तो आ रही है, तो मैटर का भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, कौन सा सिस्टम हो गया, कॉफी का मग, ओपन सिस्टम। सिंपल, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। ठीक है, ठीक है भाई, तो क्लोज क्या होता है फिर, ये भी देख लेते हैं। अब क्लोज सिस्टम होता है जहां पे एनर्जी का तो ट्रांसफर होता है, एनर्जी का तो ट्रांसफर होता है, लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, वही मग लिया मैंने, ठीक, ऐसे बना देते हैं यार, तो तुम लोग कॉफी पियो, ठीक, मग लिया मैंने, इसको ढक दिया, ढक दिया, ठीक। अब बाहर अगर तुम इसके ऊपर हाथ लगाओगे, जिससे भी हमने इसको ढका है, वो गर्म हुआ होगा, ठीक, तो मतलब क्या, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जो वाटर वेपर होंगे वो तो यहीं तक आके रह जाएंगे, बाहर जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, तो मैटर का ट्रांसफर हुआ, नहीं हुआ, तो मैटर का ट्रांसफर नहीं हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, जहां पे मैटर का ट्रांसफर ना हो, जहां पे एनर्जी का ट्रांसफर ना हो, वो क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तुम लाते हो ना वो थर्मस बोलते, इसको थर्मो फ्लास्क होते हैं, ठीक, उसके डाल देते हो, गर्म भी रहता है पानी, ठंडा भी रहता है,
तो कंप्लीटली आइसोलेटेड तो देखो कुछ होता ही नहीं है। कंप्लीटली आइसोलेटेड को हम देखो इमेजिनरी मान सकते हैं। मान लो ये पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, मैंने इस पूरे यूनिवर्स को ही सिस्टम मान लिया। अब यूनिवर्स के बाहर तो कुछ है ही नहीं, अगर कुछ है तो वो भी यूनिवर्स ही है, ठीक, तो उसको ही मैंने सिस्टम मान लिया। तो इस सिस्टम के बाहर, यूनिवर्स के बाहर तो कुछ जाएगा ही नहीं, ना ही कुछ आएगा, ना मैटर जाएगा ना एनर्जी जाएगी। तो ये क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन जो थर्मो फ्लास्क वगैरह होते हैं उसको भी हम बोल देते भाई आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक, लेकिन तुम लोग देखते हो यार 2 दिन तक रखो पानी, वापस से थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है, मतलब एनर्जी तो निकल ही रही है, तो एनर्जी निकल रही है तो कहाँ से आइसोलेटेड हुआ, है ना। लेकिन ये एग्जाम्पल सही है, लेकिन ये इमेजिनरी है, रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो ओपन क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम क्या हुआ, चलो फिर से बताता हूँ। मैटर, मैटर एनर्जी और एनर्जी। ओपन सिस्टम जहां पे मैटर और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो, क्लोज सिस्टम जहां पे मैटर का ट्रांसफर ना हो एनर्जी का ट्रांसफर हो, और आइसोलेटेड सिस्टम जहां पे ना मैटर का ट्रांसफर हो ना एनर्जी का ट्रांसफर हो। एग्जाम्पल तुम लोग खुद के मन से कुछ भी बना सकते हो, और ये हमारा टाइप्स ऑफ सिस्टम हो गया, खत्म, ठीक। तो अभी इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ते हैं, बेसिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर तुम लोगों को ये पता है तभी क्वेश्चन के अंदर अप्रोच लगेगी कि हाँ भाई दिया क्या है, क्या पूछा है, क्या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ द सिस्टम और प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। ऐसी ट्रिक बताऊंगा तुम लोगों को, रटने की जरूरत नहीं होगी क्या इंट्रिंसिक होती है क्या एक्सट्रिंसिक होती है। देखोगे 10 सेकंड दिमाग लगाओगे और बता दो कि भाई ये इंट्रिंसिक है ये एक्सट्रिंसिक है, वरना इतने इतने एग्जाम्पल रटने में ही हालत पतली हो जाती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और बाकी वही सब फॉर्मेलिटी, लाइक सब्सक्राइब शेयर, या लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, कमेंट मत करो, कुछ मत करो, शेयर तो कर दो यार। जिनके जो मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा, जिन लोगों ने, जो लोग कोचिंग नहीं जाते वो तो पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।